आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू कर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज आपको हम रिमाइंड करना चाहते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हम लोग यूनिट नंबर 5 देखने जा रहे हैं, यानी लास्ट यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों देखेंगे। बट इसमें कुछ कंडीशन है, इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है उसमें दो टाइप का क्वेश्चन होगा। एक तो क्वेश्चन होगा जिसको डायरेक्ट आप रट लेंगे, थ्योरम टाइप क्वेश्चन होगा, उस सेम आपके एग्जाम में आ जाएगा। एक क्वेश्चन होगा जिसपे आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको हम बताते चलेंगे। मतलब दो टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको हम प्रॉपर रूप से गाइड कर देंगे, मार्क करके बता देंगे कि ये क्वेश्चन आप रट सकते हैं, इस क्वेश्चन पे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्लस माइनस और डिजिट चेंज हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इस चीज को आप अच्छे से क्लियर करेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एग्जाम में जाकर अच्छे से आप लिख कराएंगे। दूसरी बात यह कि अभी तक हमारा यूनिट नंबर 4 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बताया गया है और यूनिट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बता दिया गया है। बाकी सभी का ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा आपको ऑब्जेक्टिव का ही आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट एंड इमेजिनरी रूट ऑकर कंजुगेट पेयर्स। उसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, प्रूव दैट इन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट इन इरेशनल रूट्स एंड ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स। उसे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला हम लोग का फाइंड द कंडीशन दैट क्यूबिक, जो हमारा ये क्यूबिक एक इक्वेशन है उसका कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है, क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यानी एचपी आपको कंडीशन होगा उसमें आपको बताना है, ये क्या कंडीशन बताना है कि एचपी में है या नहीं, वो आपको उसना कंडीशन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, हम लोग के इक्वेशंस दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, क्या बोल रहा है, मे बी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये है या है वो आपको इस कंडीशन आपको बताना है। दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन अटैच कर दिया गया है, इक्वेशंस, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्व करना है, इसका रूट्स आपको निकालना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग साइमेट्रिक फंक्शन फॉर द कोई क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशंस है और इसमें साइमेट्रिक फंक्शन है, इसमें वो जो रूट्स आपको निकालना है, जो रूट्स आपका है अल्फा बीटा गामा आपको ऑलरेडी पहले से बताया गया है, तो इसका वैल्यू निकालना क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, फिर 2 में है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, 3 में है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, और समेशन 4 में है आपका समेशन अल्फा क्यू इंटू बीटा, और इसमें आपका 5 नंबर में है समेशन अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू गामा आपको निकालना है। उसी प्रकार से 6 में है समेशन ऑफ अल्फा क्यू, और 7 में है समेशन ऑफ अल्फा के पावर 4, और 8 में है समेशन ऑफ अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, आगे आपका 9 में है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई बीटा इंटू गामा है, समय लास्ट में है 10 में है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बाई गामा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है। ये तो क्वेश्चंस है, अब इसमें बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट रटना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके, अब कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हैं, सब में स्टार लगा रहे हैं, इसका मतलब सभी को आपको आराम से इसको रट सकते हैं, आपका सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, अल्टरनेट बेसिस पे पूछा जाता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता, सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, न प्लस माइनस का चेंजेस होगा, बिल्कुल नहीं, चेंजेस बनता ही नहीं है। तो इसमें ना आधा क्वेश्चन है, इसमें हाफ आगे लगा देते हैं, आधा क्वेश्चन है जो सेम आएगा,
यहां तक ये क्वेश्चन में भी एपी यहां तक आपका सेम आएगा। यहां के बाद ये जो इक्वेशंस देख रहे हैं ना, ये इक्वेशंस में चेंजेस रहेगा, लेकिन कई बार इसी क्वेश्चन को सेम पूछा गया है, सेम पूछा गया है, बट इसमें ना थोड़ा चेंजेस देखने को, एक्स का इक्वेशन में चेंजेस देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन सेम रहेगा, ये इक्वेशंस अलग हो जाएगा। ओके, तो इसके जगह पर दूसरा क्यूबिक इक्वेशंस हो सकता है, उसको हो सकता है पहले से सॉल्व किए होंगे, या डिजिट या कुछ प्लस माइनस आगे चेंजेस किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो क्यूबिक इक्वेशन वाली जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ना, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, फिर आपसे माइंड से निकाला जा सकता है, यहाँ से कुछ भी आपको इसमें चेंजेस कर सकता है, वो अल्फा बीटा के जगह पर कुछ भी आपके साथ घुमाया जा सकता है। तो ये आपको 10 जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आपका 10 क्वेश्चन देख रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम में ना, सेम ने 5 स्टार इसको देते हैं आपके एग्जाम में ना, सेम इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एकदम बिल्कुल से। आप बोलेंगे सर, आप तो बोल रहे इसमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना लंबा हो जाएगा ना, इसको रटना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, इसको रटना आपके लिए टफ हो जाएगा। पूरा एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अब हो सकता है बीच का मान लो ये 7 नंबर और 8 नंबर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए ऊपर से रिलेट कर जाएगा। तो जब तक ऐसा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप बीच वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, रटेंगे भी तो उतने लंबा आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। उसके बाद इसका भी सभी का अगर कंसेप्ट वाइज सभी को याद रखते तो अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन बताए हैं उसे आप बिल्कुल रट सकते हैं, सेम सेम आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, सॉल्व दी इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है और इसको सॉल्व करना है, और इसको हुज आर इन एपी, एपी में इसका रूट निकालना है। इसका जो रूट निकालना है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोले, तो उस फॉर्म में आपको उसका रूट जो आएगा ना, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी इसका जो हम रूट मानते हैं ना, उसको अगर जीपी में पूछा है तो ऑलरेडी उसको हम जीपी में मान लेते हैं, एपी में पूछा है तो ऑलरेडी उसको हम एपी में मान लेते हैं। तो इस फॉर्मेट में जब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, अगर मेरा पेड यूजर होंगे तो आपको मालूम होगा, या आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको तो भी आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, find the condition that roots of the biquadratic x to the power 4 plus p x cube plus q x square plus r x plus s equal to 0 may be gp में है। आपको condition find out करना है। उसका question number 10 है, solve the cubic equation, एक cubic equation है, देखने में तो लंबा चौड़ा equation दिख रहा होगा, लेकिन काफी आसान तरीके से बनता है जब आप बनाएंगे तो काफी आसान तरीके से बनाए, इसको बाई कार्डेंस मेथड के थ्रू आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो और भी कई सारे आपको मेथड बताए हैं, लेकिन इसको बाई कार्डेंस मेथड के थ्रू ही आपको बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखा है x³ - 9x + 20x, इसको भी कार्डेंस मेथड के थ्रू ही आपको सॉल्व करना है। अगला बात करते हैं, 12 में सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशंस, एक क्यूबिक इक्वेशंस दे रखा है और इसको बाय कार्डेंस मेथड के थ्रू इसको भी सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि कार्डेंस मेथड को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, कार्डेंस मेथड को आपको एक्सप्लेन कर देना है, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन को आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन है 2x³ - 15x² + 37x - 30 = 0, वो जो रूट्स आ रही है एपी में, आपको इसको रूट्स को आपको बताना है, राइट। अभी ये क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन को आपको रटना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 से आते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चंस है ना, ये जो आपका क्वेश्चंस है 8 नंबर ना, जो भी आप क्वेश्चन जीपी के फॉर्म में देख रहे हैं, एपी के फॉर्म में देख रहे हैं, एचपी के फॉर्म में देख रहे हैं, एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस तो आपको रहेगा। मतलब ये कि आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसको रटने से आपका काम नहीं चलेगा। इक्वेशंस चेंज हो सकता है, प्लस माइनस चेंजेस हो सकता है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर करना होगा। एपी जीपी की फॉर्म जो भी है, एचपी की फॉर्म जो भी है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं होता। अब ये कार्डेंस मेथड का जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में ना कार्डेंस मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। डिफाइन करने के तो बहुत मतलब कम उम्मीद है कि आएगा, लेकिन क्वेश्चन 100% 200% है कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशंस रहेगा, उसको कार्डेंस मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा। तो कार्डेंस मेथड आपको आना चाहिए, कार्डेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। मींस दैट ये कि कार्डेंस मेथड आपको सीखना पड़ेगा, उसका क्वेश्चंस लगाना आपको सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे एनी हाउ 100% क्वेश्चन आता है। जैसे मैट्रिसेस से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, इनवर्स का क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कार्डेंस मेथड से क्वेश्चन 100% आता है। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन से 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में देखेंगे बहुत छोटा बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कार्डेंस मेथड बनता है, तो इसके आपको क्वेश्चन रहेगा, यानी इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जितना भी कार्डेंस मेथड का इसमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हो सकता है मे भी सेम सेम आ जाएगा, काफी बार रिपीट क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मेथड जो सीखना पड़ेगा, अगर चेंज कर देगा तो क्या कीजिएगा आप। ओके, ये डिफाइन करना है कार्डेंस मेथड का। ओके, ये भी अभी भी हम बात कर चुके हैं कि एपी की, देखो एपी की फॉर्म में हो या जीपी की फॉर्म में हो या एचपी की फॉर्म में हो, राइट, ये तीन फॉर्मेट बनता है क्यूबिक इक्वेशंस में रूट निकालने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीन फॉर्म है। तो आपको क्यूबिक इक्वेशंस दिया रहेगा, तीनों में से किसी एक फॉर्म में आपको क्वेश्चंस रूट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं, काफी अच्छे से डिटेल में इसमें हम आपको समझा भी चुके हैं, तो आई होप आप देखे होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, राइट। तो इसमें आपको ये फॉर्म आपको सीखना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमको तीन कंसेप्ट आपको हम सीखने के लिए बोले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, क्या कंसेप्ट बोले, एक आपको कार्डेंस मेथड आपको सीखना है, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन सीखना है, और उसके बाद एपी जीपी वाला जो क्वेश्चंस बनाने के लिए आता है वो क्वेश्चंस को आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 100% यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है और आता भी है। तो ये आपको चीजें इतना क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्टेड, वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 50। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10। ओवरऑल यहाँ से 25 क्वेश्चंस है आपका सब्जेक्टिव जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव का लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जब आपको इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसमें आपको इंक्लूड रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए पांचों यूनिट का, देखिए तो पांचों यूनिट का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसमें आप दो कंडीशन है, या तो आप मेरा पहले से पेड कोर्स ले चुके हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं पहले से तो आपको ₹80 पेमेंट करना होगा, तब जाके पांचों यूनिट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, सभी आपको मिल जाएगा पांचों यूनिट का। आपको ये पेमेंट करना है किस नंबर पे, 92-63-93-16-86, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और स्क्रीन शॉट किस नंबर पर भेजना है, तो आपको 7979707765 पे आपको स्क्रीन शॉट भेजना है। लेकिन अब जो मेरा पेड कोर्स नहीं लिया है, अब उसको मेरा गेस पेपर लेना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन से लेना है, उसका सॉल्यूशन से लेना है, तो आपको इस केस में आपको ₹120 आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे, 9263931686 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके इस नंबर पे 7979707765 पे आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपको वहां पे एक लिंक दिया जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को, वहां पे सभी अलग अलग यूनिट वाइज, जैसे आपको यूनिट वाइज अलग अलग क्वेश्चन लेके लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, इसी प्रकार से अलग अलग आपका टीम
ट्रिग्नोमेट्री का अलग होगा पीडीएफ, जिसमें सॉल्यूशंस होगा, क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होगा। उसके बाद आपको मैट्रिसेस का अलग होगा, क्लिफिकेशंस का अलग होगा, नंबर थ्योरी का अलग होगा, और आपको सेट थ्योरी का अलग होगा। सब यूनिट वाइज अलग अलग बाइफर्केट किया हुआ पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सभी का, तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब किसी स्टूडेंट को अगर नहीं सर आपको हम गेस्ट पेपर भी लेना चाहते हैं और आपका कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो दोनों केस में ना, तो इसमें आप 159 ऐड कर दीजिएगा, 159 के यानी आपको 280 रुपया में आपको यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, 280 रुपया में, जिसका इसका 1 मंथ की वैलिडिटी होता है, 1 मंथ की वैलिडिटी होता है, तो आप 1 मंथ का आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि आपको कर एक माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि सर जो भी आप हमको पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, हम ठीक है हम ले लेते हैं, 80 रुपये वाला हम तो ऑलरेडी आपसे ले चुके हैं, तो 80 रुपये वाला ले लेते हैं, और 120 रुपये वाला आपसे हम ले लेते हैं, तो इस केस में हम उसको पीडीएफ से थोड़ा समझने में इशू हो रहा है क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो उस केस में आप क्या करेंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना, इस सभी का कंसेप्ट वाले लेक्चर्स आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप नए हैं केवल आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं और आपका सॉल्यूशंस में इशू हो रहा है, तो आप 159 लगा के कोर्स भी ले लीजिए, साथ में आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, और उस लेक्चर्स में भी और भी अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए होंगे, सॉल्यूशन कराए होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया होगा, पूरा कंप्लीट पैकेज 159 में आपको मिल रहा है यहाँ पे, और इसमें आपको गेस्ट पेपर 120 में मिल रहा है। तो या आप पेड यूजर भी है 80 रुपया, तो आपको ऑलरेडी पहले से लेक्चर्स आपके पास होगा, तो वो कंसेप्ट वाले लेक्चर्स देखिएगा, तब जाके आपको 100% एक भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आपको इशू नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आपको समझ में आए, जिसको आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओ लेक्चर्स देखने के बाद। जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए ना, सभी का कंसेप्ट वाले वीडियो लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, सिखा चुके हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, नंबर थ्योरी एप्लीकेशंस का, नंबर थ्योरी का सब कुछ आपको, रैंक ऑफ मैट्रिसेस का, तो वहां से लेक्चर्स देखेंगे आपको 100% चीजें समझ में आ जाएगा, सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन करके सर सॉल्यूशन ले सकते हैं, और इस पे इसमें कंप्लीट कोर्स भी वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, साथ में आपको क्लासमेट्स भी रहेगा इस 159 वाला में। अगर आप पेड यूजर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 80 रुपया आप ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को नहीं भी लेते, तो आपको ईमानदारी से सॉल्यूशंस करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और जाके एग्जाम में लिख कर आएगा, सेम क्वेश्चंस रहेगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। अगर इसको ये क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो समझिए आप पछताओगे एग्जाम हॉल के बाद आने के बाद, जब पेज उलट के देखोगे तो सारी क्वेश्चंस पे जब नजर पड़ेगी तो आपको मालूम पड़ेगा सर यही सब क्वेश्चंस जो था हमारे एग्जाम में आया था और इसको हम कर नहीं पाए, इसीलिए आप क्वेश्चंस को करके जाइए, साथ ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए यही कुछ बातें था, तो हमें और 5 यूनिट का आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुके, अब हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे 4 यूनिट का, तो उसको भी आपको 1 by 1 आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। अब बोलेंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन आप जब पे इसका सोल्यूशन लेंगे तो साथ में आपको मिल जाएगा, साथ में समझ रहे। देखिए ऑलरेडी हम जो भी लिया है ना 5 यूनिट का गेस पेपर का इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा आप जैसा पढ़ना चाहें सब पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 प्रोवाइड कर दिए, ऐसा नहीं कि आप अभी ज्वाइन करोगे फिर हम सॉल्व करेंगे फिर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, नहीं ऑलरेडी सभी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप ज्वाइन करो और जाके वहां से बेनिफिट लो, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।